बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सर्दियों की खास सौगात, बेसन का हलवा लेकर आई हूँ। देखने में कितना मज़ेदार है, बनाने में उससे भी आसान। खास बात यह है कि ये कम पैसों में बन जाता है। अगर आपको मेरी ऐसी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ एक अदद देजगी ली है, इसमें हम डालेंगे हाफ कप बेसन का। आपने ये ध्यान रखना है जब इसे खरीदना है तो इसका कलर डार्क कलर होना चाहिए। दूसरा ये कि इसमें चने की खुशबू आनी चाहिए। इसको हमने अच्छे तरीके से छान लिया था। छानने के बाद यहाँ हमने ली थी 2 टेबलस्पून सूजी का, इसको भी हमने छान लिया था, ये भी इसमें डाल देंगे। कॉन्टीन का खास ख्याल रखना है। हम इसके अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे, मसलसल चम्मच चलाते रहेंगे, भुने चनों की खुशबू आना शुरू ना हो जाए। आपने जलने नहीं देना, इसे चम्मच चलाते रहना है। और यहाँ देखिए हमारे बेसन और सूजी का रंग डार्क ब्राउन हो चुका है। और अब हम यहाँ डालेंगे हाफ कप घी का। आप ये ध्यान रखें कि ये ऑयल में तेल में नहीं बनता, अगर आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं। और अब हम इसके अंदर फ्राई करेंगे घी के अंदर बेसन और सूजी को। और यहाँ देखिए हमने सूजी और बेसन को फ्राई कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच हमने दूध के लिए हैं ये इसमें डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और यहाँ हमने गैस को कर दिया है लो। अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप हमने चीनी का लिया है ये इसमें डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और यहाँ अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी का। थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। आप एक साथ पानी नहीं शामिल करेंगे, आपने गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, ठंडे पानी का नहीं इस्तेमाल करना। गर्म पानी डालने से आपका हलवा दानेदार बनेगा। और हम इसे अच्छे तरीके से हलाएंगे। और यहाँ हमने कटे हुए थोड़े से गिरी ली थी ये इसमें डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से हलाएंगे। थोड़ा सा हम फ्लेम को बढ़ाकर इसे 2 मिनट तक पकाएंगे। और यहाँ देखिए व्यूवर्स, हमने इसे 2 मिनट तक पकाया था। ये देखिए हमारा आगे हलवा नीचे चिपक रहा था, ये देखिए हमारा हलवा अब नहीं चिपक रहा। इससे ये जाहिर होता है कि हमारा हलवा अच्छे तरीके से पक चुका है, ये देखिए। और अब हम फ्लेम को कर देंगे लो। और यहाँ देखिए हमारा हलवे का घी भी अलाइदा हो चुका है, देखिए। आप अपनी मर्जी से, आप अपनी मर्जी के इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, हमने इसमें घी का इस्तेमाल किया है। और यहाँ देखिए हमारा हलवा हो चुका है तैयार। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। और यहाँ देखिए व्यूवर्स, हम अपने डिश में डालेंगे बेसन का हलवा, ये देखिए कितना लाजवाब बना है। और यहाँ देखिए व्यूवर्स, हमारा बेसन का हलवा बिल्कुल तैयार है, ये देखिए इसका फाइनल लुक। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत इजी सिंपल रेसिपी है। यहाँ हमारी हलवे की रेसिपी बिल्कुल तैयार है।
आप मीठे के साथ इसे बनाएं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।